हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सिद्धार्थ सिंह वेलकम यू ऑल ऑन अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम आइसोमेरिज्म की आगे वाली यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, मतलब जिसमें कनेक्टिविटी डिफरेंसेस होते हैं, उसमें आप कैसे कैसे क्लासीफाई करोगे उन डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स को, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पोजिशन आइसोमर, चेन आइसोमर्स, बहुत डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स को डिस्कस करा था। आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर मेनली अगर मैं क्लासिफाई करूँ है स्टीरियो आइसोमर्स को, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस समझा था कि स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि जिसमें कनेक्टिविटी एटम्स के बीच में सेम रहे, बस डिफरेंसेज आए ओरिएंटेशन इन स्पेस में, उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो थे जिसमें कनेक्टिविटी डिफरेंसेस हमें मिल रहे थे, तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर में पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स को पढ़ा था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसके अंदर एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी तो सेम रहेगी लेकिन स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन अलग अलग होगी। कोई अगर लेट्स से एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, तो उसी के जैसा दूसरा मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाला, सेम कनेक्टिविटी रखने वाला, बस ओरिएंटेशन अगर एक मॉलिक्यूल में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था तो दूसरे में वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है। मतलब अगर कनेक्टिविटी के डिफरेंसेस ना हो, बस स्पेस में ओरिएंटेशन का डिफरेंस हो, तो ऐसे आइसोमर को हम स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। स्टीरियो आइसोमर को इस यूनिट में हम मेनली दो हिस्सों में बांट के स्टडी करेंगे, कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। मेनली जो हमारा पहला पार्ट इसके अंदर रहेगा वो कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स का रहेगा, जिसमें भी कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स में हम सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स के दो डिविजन्स हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी और उस पर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दे आर दी स्टीरियो आइसोमर्स विच कैन नॉट इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो आइसोमर्स होते हैं जिन दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आप एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते और जो किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से अराइज होते हैं। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है। बस अगर मैं क्लासिफाई करूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस के अंदर हो सकता है, तो एल्कीन्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एल्कीन्स के अंदर, ऑक्साइम्स के अंदर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जिसको आप एजो कंपाउंड्स बोलते हो उसके अंदर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और इसमें कार्बन कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन 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 के बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। हालांकि सिर्फ डबल बॉन्ड्स ही नहीं, रिंग्स के अंदर भी रोटेशन किसी बॉन्ड के लॉन्ग रिस्ट्रिक्ट होता है, और अगर रोटेशन बॉन्ड के लॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड है तो रिंग्स में भी, साइक्लोएल्केन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी आ सकती है। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर हैं जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आने वाले, निकलने वाले आइसोमर्स होंगे। जैसे इसको डिटेल में समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्या क्या केसेस बन सकते हैं, तो बस डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस करी है, इसको डिटेल में जब आप एग्जांपल के थ्रू समझोगे तभी असल में समझ में आएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स विच कैनॉट इंटर कन्वर्ट इंटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर, एक आइसोमर है तो वो अपने आप दूसरे आइसोमर में रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट नहीं होगा, और जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट होते हैं उन्हीं को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं एग्जांपल के थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को समझते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल हमारे पास एल्कीन्स का है, एक एग्जांपल हमारे पास ऑक्साइम का है। अगर मैं एल्कीन्स की बात करूं तो यहां पे ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इन डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उनके अलोंग रोटेशन पॉसिबल होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग वो घूमते रहते हैं, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग होगी डबल बॉन्ड, तो उनके अलॉन्ग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, उसके अलॉन्ग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन अलाउड, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का केस ये है। और जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है वहां पॉसिबिलिटी होती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा किस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है जिसके अलॉन्ग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इस पे जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं
वो यहाँ पे सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, और यहाँ पर अगर मैं क्लासिफाई करूँ तो इस पे जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो दोनों यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन के अलॉन्ग ओरिएंटेड हैं। इन दोनों में मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम, कनेक्टिविटी सेम, चारों की चारों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कनेक्टिविटी सेम आ रही है, मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, बस डिफरेंस आ रहा है स्पेस में ओरिएंटेशन का। यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन के लॉन्ग ओरिएंटेड मिथाइल ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे मिथाइल इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो ये नीचे वाली डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन का डिफरेंस आया मतलब ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि कनेक्टिविटी का कोई डिफरेंस नहीं मिला। कौन से स्टीरियो आइसोमर? तो अगर डबल बॉन्ड मतलब एक ऐसा सेंटर हो जिसके अलॉन्ग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो और ग्रुप्स की ओरिएंटेशन में डिफरेंस आए, तो ऐसे आइसोमर को एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जब ये सेम साइड पे ओरिएंटेड हैं तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस आइसोमर बोलते हैं, और अगर वो दोनों ऑपोजिट साइड पे ओरिएंटेड होते हैं तो हम उसको ट्रांस आइसोमर की कैटेगरी में रख देते हैं। ये मॉलिक्यूल 2-ब्यूटीन है तो मैं इसको सिस 2-ब्यूटीन और उसको ट्रांस 2-ब्यूटीन बोल सकता हूँ, एंड दे आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर सबसे पहला हमने पढ़ा कि अगर डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कनेक्टिविटी सेम है, तो ऐसे दो आइसोमर को एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोला जा सकता है। सिमिलरली नीचे हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऑक्साइम का, जैसे हमने एल्कीन का एग्जाम्पल डिस्कस करा कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड था, ऐसे ही अदर फंक्शनल ग्रुप्स जैसे ऑक्साइम, इसमें भी डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होने की वजह से इसके लॉन्ग भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब ये इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट नहीं कर सकता। अगर रोटेट नहीं कर सकता तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं यहाँ पे इस पीएच और ओएच की ओरिएंटेशंस को कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे पीएच और ओएच ऑपोजिट साइड पे ओरिएंटेड है, और ये एच और ओएच के रेफरेंस में देखूँ तो ये सेम साइड पे ओरिएंटेड है। सिमिलरली यहाँ पे पीएच और ओएच सेम साइड पे ओरिएंटेड है, या ये एच और ये ओएच ऑपोजिट साइड पे ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर भी वो ओरिएंटेशन डिफरेंसेस हमें मिल रहे हैं कि एक बार अगर मैं इस OH को दूसरे के रेफरेंस में देख रहा हूँ तो वो उस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग सेम साइड पे ओरिएंटेड है, और उसी डबल बॉन्ड के अलॉन्ग वो ऑपोजिट साइड पे ओरिएंटेड है दूसरे केस में, तो यहाँ पर भी वो डिफरेंस आ गया, तो ऑक्साइम में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी। तो कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशनल डिफरेंसेस हैं, तो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ओरिएंटेशनल डिफरेंसेस अगर आपको मिलते हैं इस वाले केस में, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग अगर ऐसे ओरिएंटेशनल डिफरेंसेस अगर आपको मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो ये तो अभी हमने डिस्कस करा बेसिक डेफिनेशन कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते क्या हैं, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो अराइज हों ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन उनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, जिसमें अभी तक हमने डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एक एक एग्जाम्पल कंसिडर किए, एक एल्कीन का और एक ऑक्साइम का। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, तो क्या क्या कंडीशन होती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की उसको देखते हैं। कंडीशंस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो सबसे पहली कंडीशन कि जिस भी डबल बॉन्ड के अलॉन्ग हम रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करा रहे हैं, या जिसके डबल बॉन्ड के अलॉन्ग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टडी कर रहा हूँ, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिर्फ डबल बॉन्ड नहीं, जहाँ पर भी जो दूसरे केसेस अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं जिसके अलॉन्ग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, उस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अलॉन्ग अगर डिफरेंट वैलेंसीज हैं, डिफरेंट एटम और ग्रुप्स हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन जैसे यहाँ पे हमने अल्कीन्स के लिए डिफाइन करी है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे साइक्लो एल्केन्स में भी ये कंडीशंस लगेंगी। तो अगर मैं स्पेसिफिकली एल्कीन्स के लिए बोलूं जो जीआई शो कर सकता है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो उसमें जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है अगर उसके डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स उससे कनेक्टेड है, तो आप उसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो क्वेश्चन है, मेरे को इसमें चेक करना है कि कौन से कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और कौन से कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स बना लिए, ब्यूट मतलब चार कार्बन एटम की बात हो रही है, तो ये हमने बना लिए यहाँ पे चार कार्बन एटम, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल के लिए भी ये मैंने बना लिए चार कार्बन एटम। यहाँ पर 1-ब्यूटीन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, 2-ब्यूटीन मतलब सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, 1-1 डाइफिनाइल मतलब यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है पीएच और यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है पीएच, तो इसका नाम हो गया 1-1 डाइफिनाइल ब्यूट 1-इन
हाइड्रोजन वैलेंसी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसी मैनर में, जितने बॉन्ड्स कार्बन के कम है, और 1,1-diphenyl-2-butene का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे 1,1-diphenyl, ये फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल फिनाइल 2-butene का स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर मैं इस केस में डिफाइन करूँ डबल बॉन्ड के अलॉन्ग, डेफिनेशन क्या है, कंडीशन के लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उस पर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इस पर तो दो सेम ग्रुप्स आ गए ph और ph, और अगर ग्रुप सेम आ गए इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स होंगे तभी GI की पॉसिबिलिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस कार्बन पे भले ही दो सेम हो, हमें तो चेक करना है कि जो दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जिसके अलॉन्ग GI होना है उस पे ग्रुप सेम है कि नहीं है। तो अगर मैं इस कार्बन पे देखूँ तो यहाँ पे एक ये ग्रुप अलग है और एक हाइड्रोजन एक अलग एटम है। यहाँ पे डिफाइन करूँ तो ये एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप अलग है और हाइड्रोजन अलग है। तो इस कार्बन पे भी दो अलग अलग वैलेंसी आ रही है, इस कार्बन पे भी दो अलग अलग वैलेंसी आ रही है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे अगर मैं सेकंड वाले के दो आइसोमर बनाऊं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, एक पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इधर हो और ये कार्बन जिसपे दो pH ग्रुप लगे हुए हैं उसको हमने इस तरीके से बना दिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये वही है 1,1-diphenyl-2-butene का स्ट्रक्चर बन गया जिसमें दो हाइड्रोजन सेम साइड पे ओरिएंटेड है, या ये दो बल्कि ग्रुप सेम साइड पे ओरिएंटेड है तो मैंने इसको नाम दे दिया सिस। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनका ओरिएंटेशन ऑपोजिट हो जाए, मतलब हाइड्रोजन यहाँ नीचे वाली डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये सी पी एच वाले जो ग्रुप है इसको हमने ऊपर वाली डायरेक्शन में भेज दिए, यहाँ पे ये एच और ये मिथाइल एज इट इज रहे, तो यहाँ हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन एक दूसरे के रेफरेंस में ऑपोजिट हो गई, या इस बल्की ग्रुप की ओरिएंटेशन एक दूसरे के रेफरेंस में ऑपोजिट हो गई, तो हम इसे ट्रांस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग दो ग्रुप सेम साइड और ऑपोजिट साइड पे ओरिएंटेड हैं, तो इसमें सिस और ट्रांस दो पॉसिबिलिटी आई, एंड हेंस बी वाला कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन फर्स्ट में ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि दोनों अगर सेम ग्रुप हैं तो आप नहीं बता सकते कि दूसरे के रेफरेंस में ये सेम साइड पे ओरिएंटेड है या ऑपोजिट साइड पे, तो फर्स्ट वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा लेकिन सेकंड वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ईजेड सिस्टम पे। सबसे पहला तो ये ईजेड सिस्टम है क्या, तो ये डबल बॉन्ड की कन्फिग्रेशन, जैसे मैं सिस और ट्रांस डिफाइन कर रहा हूँ कि ये सिस के सिस कन्फिग्रेशन का डबल बॉन्ड है, ये ट्रांस कन्फिग्रेशन का डबल बॉन्ड है, उसी तरीके से ई और जेड सिस्टम भी उन डबल बॉन्ड्स की कन्फिग्रेशन को ही डिफाइन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि अगर सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन है तो इसको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत क्या है, तो सिस ट्रांस सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे ओरिएंटेड हैं तो सिस, ऑपोजिट साइड पे ओरिएंटेड हैं तो ट्रांस, लेकिन अगर डबल बॉन्ड के अलॉन्ग चारों वैलेंसीज अलग अलग हो गई, कोई भी एक वैलेंसी सेम नहीं है, तो उसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन से दो ग्रुप सेम साइड पे या ऑपोजिट साइड पे ओरिएंटेड हैं। तो उस केस में हम ये ईजेड सिस्टम्स डिफाइन करते हैं जिसमें अगर हाई प्रायोरिटी, यहाँ पे ये जो एल पी एच पी जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एल पी का मतलब है लो प्रायोरिटी का ग्रुप, अभी हम समझेंगे कैसे आप लो प्रायोरिटी और हाई प्रायोरिटी डिफाइन करोगे, और एचपी जो है वो हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है। इफ दी हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर ओरिएंटेड ऑन ऑपोजिट साइड देन दैट कन्फिग्रेशन इज नोन एज ई कन्फिग्रेशन, एंड इफ दी हाई प्रायोरिटी आर ओरिएंटेड ऑन सेम साइड देन दैट कन्फिग्रेशन इज नोन एज जेड कन्फिग्रेशन। और आप लो प्रायोरिटी के रेफरेंस में भी यही बात बोल सकते हो कि इफ दे आर ओरिएंटेड ऑन ऑपोजिट साइड देन इट इज ई, इफ इट इज ओरिएंटेड ऑन सेम साइड देन इट इज जेड। तो सेम साइड का ओरिएंटेशन होगा तो जेड कन्फिग्रेशन, ऑपोजिट साइड का होगा तो वो ई कन्फिग्रेशन का होगा। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि आप कैसे प्रायोरिटी डिफाइन करोगे कि कौन सा लो प्रायोरिटी का ग्रुप है कौन सा हाई प्रायोरिटी का, क्योंकि एक बार प्रायोरिटी डिफाइन हो गई तो आप वहाँ पे बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो कि किस कार्बन इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग क्या कन्फिग्रेशन होगी। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करूँ, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे एक वैलेंसी है फ्लोरीन की, एक वैलेंसी है क्लोरीन की, एक वैलेंसी है ब्रोमीन की, और एक वैलेंसी है हमारे पास आई की। इसमें मेरे को डिफाइन करना है ये जो डबल बॉन्ड है ये ई है या जेड है। तो प्रायोरिटीज डिफाइन करी जाती है फर्स्ट कनेक्टेड एटम के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो प्रायोरिटी ज़्यादा, एटॉमिक नंबर कम तो प्रायोरिटी कम।
अगर आइसोटोप्स हैं तो आप एटॉमिक मासेस को अपना कंसिडरेशन मान सकते हो, आप अपना रेफरेंस मान सकते हो। अगर दो आइसोटोप होंगे तो हाइयर एटॉमिक मास वाला ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा एज़ कम्पेयर टू लोअर। जैसे यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ, पहले हम इस कार्बन के अलॉन्ग प्रायोरिटीज़ डिफाइन करते हैं किसकी हाइयर प्रायोरिटी होगी और किसकी लोअर। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा वो एक हाइयर प्रायोरिटी का ग्रुप होगा, तो मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, और जिसका एटॉमिक नंबर कम वो लोअर प्रायोरिटी का होगा, तो मैंने इसको सेकेंड प्रायोरिटी दे दी। सिमिलरली इस वाले केस में मैं डिफाइन करूँ आयोडीन और ब्रोमीन, तो अगर मैंने आयोडीन और ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर्स में डिफाइन करूँ, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो आप उसको हाई प्रायोरिटी रखोगे, ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और लोअर प्रायोरिटी, कम प्रायोरिटी या सेकेंड प्रायोरिटी कौन सा हो जाएगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम, जिसका एटॉमिक नंबर कम वो लोअर प्रायोरिटी, तो उसको सेकेंड प्रायोरिटी दे दी। और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कौन सी होगी, जो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी वो होगी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा। इफ़ दे आर ओरिएंटेड ऑन सेम साइड, अगर डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ये ग्रुप सेम साइड पे ओरिएंटेड है, तो आप इसे किस कैटेगरी में रख सकते हो। अभी हमने डिस्कस करा, अगर जेड होगा, जेड कब होगा, जब हाई प्रायोरिटी इज़ ऑन प्रेजेंट ऑन सेम साइड, और ई कब होगा, जब दे आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी सेम साइड पे ओरिएंटेड है और सेम साइड पे ओरिएंटेड है, तो आप इसको क्या नाम दे सकते हो, जेड कन्फिग्रेशन का नाम दे सकते हो। तो इस तरीके से आप ई और जेड नोमेनक्लेचर डिफाइन करोगे किसी भी डबल बॉन्ड के अलॉन्ग। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अलॉन्ग अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसके अलॉन्ग हो सकता है। जैसे हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का एक केस देखा। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी लोन पेयर जो बचेंगे, जैसे अगर मैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का एक केस यहाँ पे डिफाइन करूँ, तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो इस पे भी वो पॉसिबिलिटी आ सकती है कि एक वैलेंसी इनकी डिफाइन होगी कोई भी, तो ये दोनों लोन पेयर सेम साइड पे ओरिएंटेड हैं, ऑपोजिट साइड पे ओरिएंटेड हैं, तो इनमें भी जीआई की पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो अभी तक हमने डबल बॉन्ड एल्कीन में, डबल बॉन्ड ऑक्साइम में, इसी तरीके से जो एजो ग्रुप्स होते हैं एंड डबल बॉन्ड एंड, इन सब में कंपाउंड्स में देख लिया अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस। अब हम मूव कर रहे हैं कि इस जो हमारा अगला केस है वो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स में भी किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो यहाँ पर साइक्लो एल्केन कैन ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि साइक्लो एल्केन्स में कार्बन के अलॉन्ग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रोटेशन अलाउड नहीं होता। अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कंडीशन में कि अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और उसके अलॉन्ग जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो वैलेंसीज लगी हुई हैं, वो अलग अलग हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ओनली दो साइक्लो एल्केन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच एटलीस्ट टू डिफरेंट ग्रुप्स आर कनेक्टेड, जो दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे जिस कार्बन के अलॉन्ग हम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात कर रहे हैं, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है। तो साइक्लो एल्केन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। अब किस तरीके से आती हैं, तो उसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये हमारे पास एक साइक्लो एल्केन है कि इसमें एक थ्री मेंबर्ड की रिंग है, इस थ्री मेंबर्ड की रिंग पे यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, घूम नहीं रहा है, तो अगर इस पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एक केस लिया, इस कार्बन के अलॉन्ग दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, और इसके अलॉन्ग हमने दो अलग अलग केस ले लिए कि इस पे भी एक अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल और हाइड्रोजन, तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और टर्मिनल वैलेंसी पे लगे ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ये जीआई शो कर सकता है। कैसे शो करेगा, तो इसमें ये जो मिथाइल की ओरिएंटेशन है, इस पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है कि इस साइक्लो एल्केन की रिंग में दोनों मिथाइल सेम साइड के अलॉन्ग ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर इसी रिंग के अंदर दोनों मिथाइल ऑपोजिट साइड के अलॉन्ग ओरिएंटेड हो सकते हैं। इफ दे आर ओरिएंटेड ऑन सेम डायरेक्शन, तब आप उसे सिस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हो, और अगर इट इज द मिथाइल ग्रुप्स आर ओरिएंटेड ऑन ऑपोजिट साइड, तो आप इसे ट्रांस टाइप की कैटेगरी में रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में अगर मैं डिफाइन करूं, तो जो दो मिथाइल ग्रुप हैं दे आर ओरिएंटेड ऑन सेम साइड, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट सेम साइड के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, और अगर ये सेम साइड के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, तो आप इसे किस कैटेगरी में रख सकते हो, सिस की कैटेगरी में। तो ये हो गया हमारे पास सिस आइसोमर। और अगर यही मिथाइल ग्रुप इफ दे बोथ आर ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आप इसे किस कैटेगरी में, ट्रांस की कैटेगरी में रख सकते हो।
तो ये हमारे पास केस हो गया ट्रांस का, ये हमारे पास केस हो गया सिस का। तो हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से साइक्लो एल्केन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो दो केसेस अभी तक हमने डिफाइन कर लिए हैं कि अगर कहीं एक डबल बॉन्ड होगा और एक साइक्लो एल्केन होगा तो इनके लॉन्ग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, और अगर इन पे लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो वो जीआई शो कर सकते हैं, जिसमें हमने सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कब डिफाइन करते हैं, ईजेड कॉन्फ़िगरेशन कब डिफाइन करते हैं, इन बेसिक चीज़ों को डिस्कस कराए। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसी भी पॉलीइंस में किस तरीके से निकालोगे। मतलब अगर हमारे पास कोई एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक था तो हमें पता है कि उसके कितने जीआई बन सकते हैं, तो एक सिस फॉर्म बन सकती है, एक ट्रांस फॉर्म बन सकती है, आंसर आएगा दो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, उस वाले केस में क्या पॉसिबिलिटी आएगी उसको देखते हैं। जैसे दो पॉसिबिलिटीज़ की बात मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक ही डबल बॉन्ड है और इस पे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का ये ट्रांस आइसोमर हो गया, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। और उसी तरीके से अगर मैं इस मिथाइल हाइड्रोजन को ऐसे और इस हाइड्रोजन मिथाइल को इस तरीके से ओरिएंट करा दूं, तो दोनों मिथाइल आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड, तो इसका मतलब क्या है, जो ब्यूट टू इन है, अगर क्वेश्चन आया कि जो ब्यूट टू इन है, ये ब्यूट टू इन, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो दो बन सकते हैं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स की आ गई, जैसे यहाँ पे तीन डबल बॉन्ड्स हैं, तो आप किस तरीके से नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करोगे, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो किस तरीके से नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करे जाते हैं, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने का, जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मुझे निकालना है, तो हम स्पेसिफिकली भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स को ये कैसे निकालते हैं, उसमें भी क्या क्या फॉर्मुलों का डिवीजन होगा, उसमें एक से ज़्यादा फॉर्मूले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक केस है कि हम कैसे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉलीइंस के अंदर निकाल सकते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड था तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है एक सिस और एक ट्रांस। मान लो डबल बॉन्ड दो हो गए तो हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। हो सकता है एक कार्बन सिस हो, दूसरा कार्बन भी सिस हो, जो डबल बॉन्ड एक है वो सिस हो और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वो भी सिस हो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डबल बॉन्ड है जिसके लॉन्ग जीआई पॉसिबल है, तो ये डबल बॉन्ड दोनों सिस थे तो एक पॉसिबिलिटी आई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला ट्रांस और ये वाला भी ट्रांस हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये सिस ये ट्रांस, और एक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रांस ये सिस। तो हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स भी उसके अंदर बढ़ेंगे। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स तीन आ गए, चार आ गए, तो आप डायरेक्टली किस तरीके से निकाल सकते हो उसको डिस्कस करते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, जैसे हमारे पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हम एक इथाइल ग्रुप ले लेते हैं। इथाइल मतलब, इथाइल का मतलब होता है CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इस कंपाउंड में मेरे को डिफाइन करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो अभी बिना किसी फॉर्मूले के मैं डिस्कस करूं, तो हो सकता है ये वाले डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जो आइसोमेरिज्म हो वो सिस हो, और इसके अलॉन्ग जो आइसोमेरिज्म हो वो भी सिस हो सकता है। अगर दोनों सिस सिस के हैं तो पहला आइसोमर तो ये पॉसिबल बन जाएगा कि ये भी सिस वो भी सिस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ जाएगी कि ये वाला आइसोमर सिस हो जाए, ये वाला डबल बॉन्ड सिस रहे, ये वाला डबल बॉन्ड ट्रांस हो जाए। सिमिलरली एक पॉसिबिलिटी आएगी कि ये वाला जो है वो ट्रांस हो जाए और ये वाला सिस हो जाए, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी आएगी कि ये वाला ट्रांस हो जाए और ये वाला भी ट्रांस आइसोमर हो जाए। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो पॉसिबल हैं इस कंपाउंड के लिए वो टोटल चार हो जाएंगे। एक वो जिसमें दोनों सिस हैं, एक वो जिसमें सिस ट्रांस, एक वो जिसमें ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस। लेकिन अगर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बढ़ते चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं चार डबल बॉन्ड लगा दूँ, छः डबल बॉन्ड्स लगा दूँ, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो हर बार इस मेथड से चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कुछ फॉर्मूले को यूज़ करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एज वेल एज जब हम बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे उसमें क्या क्या फॉर्मूलों का डिवीजन है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मीजोफॉर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स
ऑप्टिकल के केस में क्या रहेंगे, क्या क्या फॉर्मूले बदल जाएंगे, 2n-1 कब लगेगा, ऑड इवन का क्या क्या केस रहेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। मगर अभी मैं अगर सिंपली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला देखूं, तो ये तो लेंथी मेथड है। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ गए तो क्वेश्चन हमारे लिए और टफ हो जाएगा ये देखना, और उसमें गलती होने के चांसेज हैं। तो हम सीधा फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा 2n, वेयर एन इज नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जिसके अलोंग मैं चेंज दूं और कन्फिग्रेशन में चेंज आए। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर एन ना ही कायरल कार्बन है और ना ही एन डबल बॉन्ड है, ये दोनों भी हो सकता है। इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर रहा कि ये एन कितने डबल बॉन्ड है वो है कि नहीं है, या कायरल कार्बन है कि नहीं है, इसमें दोनों केसेस हो सकते हैं। तो दोनों के लिए हमने एक वर्ड डिफाइन कर रखा है स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब जैसे ये मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास CH3 है, H और H है। मेरे को डिफाइन करना है कि ये वाला जो कार्बन डबल बॉन्ड सेंटर है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है कि नहीं है। तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो मैं किसी एक कार्बन की वैलेंसी को आपस में इंटरचेंज कर दूं, मान लो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस वाली वैलेंसी को हमने एज इट इज रखा एच और सी एच थ्री, इस वाले कार्बन की वैलेंसी को हमने आपस में बदल दिया। जब आप इन दोनों वैलेंसीज को आपस में बदलोगे तो एच ऊपर पहुंचेगा, सी एच थ्री ऊपर पहुंचेगा। ऐसे सेंटर जिसके अलॉन्ग वैलेंसीज बदलने पर कन्फिग्रेशन बदल जाती हैं, उन सेंटर्स को स्टीरियोजेनिक सेंटर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे पहले इसकी कन्फिग्रेशन अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो ट्रांस कन्फिग्रेशन है, लेकिन जब मैंने इनकी वैलेंसी को बदला तो ये किस कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो गए, सिस कन्फिग्रेशन में। तो ये जो एक डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि इसके अलॉन्ग अगर मैं वैलेंसी बदल रहा हूँ तो उसकी कन्फिग्रेशन बदल रही है। जो पहले ट्रांस कन्फिग्रेशन का था वो सिस में कन्वर्ट हो गया, हेंस ये वाला सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और 2n में इस एन के लिए, इस फॉर्मूले के लिए वैल्यू हो जाएगी 1। अब मेरे को डिफाइन करना है कि ये जो हमारे पास बोर्ड पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए स्टीरियो आइसोमर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमने फॉर्मूला तो डिफाइन कर लिया 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के रेस्पेक्ट में पढ़ूं, तो ऐसे डबल बॉन्ड जिसके लॉन्ग GI पॉसिबल है वो सारे इस स्टीरियोजेनिक सेंटर में ऐड होते चले जाएंगे। यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके लॉन्ग GI पॉसिबल है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके लॉन्ग GI पॉसिबल है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके अलॉन्ग GI पॉसिबल है। तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू इज 3, तो ये 3 वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ n की। तो हमने सब्सिट्यूट कर दिया 2n, और 2n को आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द अबव कंपाउंड आएंगे 8। मतलब हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज होंगी, तीनों सिस हो सकता है, तीनों ट्रांस हो सकता है, एक सिस दो ट्रांस, दो ट्रांस एक सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस, और ऐसे करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 8 पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो कंपटीशन एग्जाम्स में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो सीधा नंबर से रिलेटेड आता है कि कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो हम उन पॉसिबिलिटीज को उस तरीके से निकालने से अच्छा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2n। 2n में n नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर सीधा आप सब्सटीट्यूट करोगे और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस टाइप के कंपाउंड्स में निकाल सकते हो। तो ये तो था हमारा कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। तो आज की यूनिट में हमने डिस्कस करा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या हैं, किस किस के अलॉन्ग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी, किसके अलॉन्ग नहीं होगी, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड जिसके लॉन्ग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, साइक्लो एल्केन्स जिसके लॉन्ग रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, अगर उस पर ग्रुप्स अलग अलग लगे हुए हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कन्फिग्रेशन सिस ट्रांस और EZ कन्फिग्रेशन को डिफाइन करा हमने। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कैसे निकालोगे उसका हमने फॉर्मूला डिफाइन करा कि किस तरीके से नंबर ऑफ स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाला जा सकता है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं ये निकाला जा सकता है। तो ये सारा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट रहेगी वो हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की रहेगी, उसके अंदर क्या क्या केसेस बनेंगे, एनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टेरिमर क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, मीजोफॉर्म्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के उसमें क्या फॉर्मूले रहते हैं, उन सब चीज़ों को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की यूनिट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने मेनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कवर अप करा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंसिडर करेंगे, उसके सारे केसेस डिस्कस करेंगे,
तो इसको पढ़ो, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस कहीं पे भी आप किसी भी आप बुक को रेफर कर रहे हो उससे क्वेश्चंस करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।